नमस्कार, मैं अजय। यानी अब पूरे आरणा प्रदेश की जनता शांति की सांस लेगी और पूरे आरणा प्रदेश की जनता अब नई सरकार की बाहें बिछा के, आंखें बिछा के वेट करने का काम करेगी। 8 तारीख को सरकार बनेगी, सरकार बनेगी सर 8 तारीख8 तारीख को को घोषित हो परिणाम आ जाएगा, जाएंगे, परिणाम आ तैयार जाएंगे। हो हाँ, जाएगी सरकार। तो सरकार बन जाएगी। तो ये है कि अब हरियाणा फिर से 2024 के नाम पे इतिहास लिखने जाएगा नई सरकार के लिए। तो उसी के अंदर चुनाव, 90 विधानसभा सीट का चुनाव, और उसके अंदर एक सीट थी अहम सीट भिवाड़ी, जो मैंने भिवाड़ी भी कवर अच्छी तरह से की थी, भिवाड़ी खेड़ा अच्छी तरह कवर किया था, तो सब मैंने कवर किया था। लेकिन सर से बात करने का काम करूंगा कि सर अब बार कैसे बताने का काम करें कि भिवाड़ी जो सीट थी सर, अब की चुनाव है किस तरह से रोचक रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव शांति के लिए रहा सर। सर नमस्ते। भिवानी अब की बार बहुत रोचक चुनाव रहा है और परिणाम चौंकाने वाले भी होंगे। आप ये नहीं कह सकते आज भी कौन सा कैंडिडेट क्लियर कट आगे जा रहा है, मेरे जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि अभिजीत लाल सिंह बहुत अच्छे वोट ले रहे हैं, इंदु शर्मा भी बहुत अच्छे वोट ले रही है, घनश्याम के परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोट है उनका, और कामरेड ओम प्रकाश नए कैंडिडेट थे स्वच्छ छवि के थे, वो भी बहुत वोट ले रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल पोलिंग लगभग हुई है 1,40,000-45,000 के आसपास। तो जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो लगभग 45,000 के आसपास वोट जी लेगा, जी और बहरहाल मुकाबला कड़ा है, चार कॉर्नर का है, रिपोर्ट आ रही है, शाम तक और आ जाएंगी। तो भिवानी शहर की जहाँ तक बात है, शहर में पोलिंग बहुत कम, टोटल देखो 60% पोलिंग है। मैंने एक 1 बजे तक की बात करने वाला था कि मैं शहर में घूम रहा था, एक बजे तो मैंने देखने का काम किया। भिवानी जो बूथ है ना सर, अब वहां पे भीड़ रही थी सर, बिल्कुल भीड़ रही थी। टोटल भिवानी विधानसभा की टोटल पोलिंग हुई है 61%, जिसमें शहर की पोलिंग 50 से नीचे रह गई है और ग्रामीण अंचल की पोलिंग 70-80 तक गई है, टोटल 60% है। तो ये दर्शाता है कि शहरी जो मतदाता था वो उदासीन था आपकी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मतों से जितवाता रहा है शहर का मतदाता, लेकिन अब की बार जो मौजूदा विधायक थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। उससे ये लगता है कि जो भाजपा का वोटर था वो अब की बार बूथ तक ज्यादा नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा तो वो डिवाइड हो गया। वो मशीन तक जताते जाते अपने डिवाइड मन बंद उठता सर। मतलब कि आज की तारीख में जो नेक टू नेक कामरेड ओम प्रकाश और घनश्याम सराफ दिखाई दे रहे हैं, और अभिजीत और इंदु शर्मा भी उनको कम्पीट करने की तैयारी में है। आज जो शहर का पुराना इलाका था उसमें एच घनश्याम का दिखाई दिया, थे सारे, सभी को वोट मिल रहे थे। वहीं आउटर इलाका में कामरेड ओम प्रकाश का एज दिखाई दिया। आपके ग्रामीण अंचल में कहीं कामरेड आगे था तो कहीं अभिजीत आगे था, एक दो गांव में घनश्याम सराफ भी आगे था। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी बन गई। अच्छा, जो शहर की बाहर की बस्तियां हैं जिसको सर्कुलर रोड से बाहर का इलाका मानते हैं, वहां भाजपा आपकी बार लूज कर रही है। वहां ये जो नए कैंडिडेट थे अभिजीत और कामरेड ओम प्रकाश ने अच्छे वोट लिए, और खास तौर पर SC वोट अब की बार बटा है, बिखरा बिखराव था उसमें, और राजपूत वोट ज्यादा बिखरा नहीं, अभिजीत के साथ खड़ा था, दिखा सर। और प्रिया सीजा ने भी पंजाबी वोट में काफी डेंट डाला है, सर अच्छे खासे। एक अलग मुकाम रहते तो वो पंजाबी समाज से एक लड़की खड़ी हुई है तो वो अच्छे वोट ले रही है। इंदु शर्मा के पास ब्राह्मण वोट तो था ही, उसे भी SC में, BC SC भी मिला है उसे, और आम पार्टी के आम तौर पार्टी पर। और घनश्याम सराफ जी को जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट था, भाई जो निराश, कुछ लोग निराश हो गए थे, कुछ मतलब कि जो बिल्कुल ही मोदी जी से बाहर नहीं जा सकते थे और प्योरली जो मोदी जी के नाम पे ही वोट देना चाहते हैं, जी वो वोट घनश्याम जी को मिला है। तो ऐसे में अब जो जहाँ तक जाट वोट की बात है, वो
99% कामरेड ओम प्रकाश कर्मचारी वोट भी गया, उनको एससी वोट भी मिला है, उनको बीसी वोट भी मिला है, उनको शहर में हर जगह वोट मिला है। सर कह सकते हैं कि कामरेड ओम प्रकाश ने हर प्रकार के वोट के अंदर शहर मारे किए सर, चाहे वो जाट कौम का हो, चाहे वो कर्मचारी वोट का हो, चाहे वो कोई वर्कर का हो, चाहे वो कोई यूनियन का हो। थे उन्हें लेके कई बूथों पर दिखाई दे रहा था कि जैसे ना एक दिक्कत उनको एक नुकसान जो हो रहा था कामरेड ओम प्रकाश को, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है ना, चाहे वो 10% था चाहे वो 20% था, जब वो आते थे तो कहते थे हाथ का निशान कहाँ है। मैं एक बूथ पे खड़ा था तो एक महिला और उसका पति दोनों आए, मुश्किल से 30 साल के थे दोनों। वो लड़का वोट डालने के लिए गया, फिर बाहर आ गया कह के जी वो हाथ का निशान दिखाई नहीं दे रहा, तो वो जो फिर मैंने वहाँ देखा कर्मचारी ने धीरे से उसको कह दिया भाई ये दराती में कन्वर्ट हो गया है, और दराती और हथौड़े में। तो वो फिर उसने मियाँ बीवी ने दोनों ने कांग्रेस, मैंने फिर उस लड़के से पूछा भाई आपने आपको पता नहीं था भाई ये कौन लड़ रहे हैं, बोले जी मैं तो कांग्रेस का वोट डालना था, मैं तो इसलिए अंदर वोट डालने गया था। तो कांग्रेस का भी परंपरागत वोट है जो दिखाई नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी का वोट थोड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा संख्या में है, कांग्रेस का भी कुछ ऐसा वोट है जो शहर में दिखाई नहीं देगा आपको, वोट डला है। ठीक है सर, मैं इस बात बोल रहा हूँ अपने कांग्रेस अपने बात की भारतीय पार्टी की वोट की, सर मैं दावा तो नहीं करता लेकिन ये क्या कह सकता हूँ कि पंजाबी समाज का वोट और राष्ट्रीय समाज का वोट सर हमेशा से मेरे हिसाब से तीन योजना से दो आपको मोदी को देखते आ ही रहा था, और सर इसमें बीच में फिर दो योजना से कट्टर साहब चेहरे बने सर, उनका भी एक अहम रोल रहा सर ना सर, लेकिन पंजाबी समाज पार्टनर नहीं सर, लेकिन अब की बार पंजाबी समाज बिखरा वास्तव में दिखा, इस शहर के नाम का भी दिखा, प्रदेश का नाम भी दिखा। ये पंजाबी समुदाय में अब की बार बिखरा था, विधायक जी को लेके हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको रोष था, वो मतलब कि ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो नहीं दिखाई देते थे परंतु विधायक कार्य प्रणाली को लेकर नाराज थे, तो एक बड़ा धड़ा शहर का उनके खिलाफ ऑब्जर्वर बोल रहा था, एक धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो तो घनश्याम जी के साथ खड़े थे आज भी, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा जो कि रोष था जिनमें वो घनश्याम जी के खिलाफ गया, और वो उसका फायदा प्रिया सीजा को होगा जी, प्रिया सीजा भी वोट ले रही है अच्छे, और अगर प्रिया सीजा आपकी बार अच्छे वोट ले जाती है तो पंजाबियों में एक चेहरा बन के आई। सर अब तो हम आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने कौन क्या कितने वोट ले रहा है। सर मुझे लगता है कि प्रिया सीजा अब की बार जो इस पहला चुनाव उसका 10,000 से ऊपर वोट लेने का काम है। हाँ मेरा ठीक है प्रिया सीजा के, देखो पंजाबी वोट मेरा जहाँ तक मानना है टोटल वोट है 22,000, और पंजाबी वोट मुश्किल से पोल हुआ है 10 से 11,000। अब इसमें से प्रिया कितने ले रही है, प्रिया और भी तो कास्ट के थोड़े थोड़े ले रही होगी ना जी, तो हाँ वो पंजाबी के अलावा भी और भी जैसे एससी का वोट है या किसी का थोड़ा वोट लिया, तो ऐसी का जहाँ तक पंजाबी का जो मेन बल्क है वो प्रिया ले रही है। सर मैं मानता हूँ 8 से 10 प्रिया ऐसी खड़ी मानता हूँ, देख देखा हाँ वो ले रही है। हाँ पंजाबी का वोट, पंजाबी का पोलिंग भी बहुत कम है जी सर, और जहाँ तक पोलिंग ज़्यादा हुई है वो अगर हुई है तो जाट की, ब्राह्मण की और राजपूत की, ये अहम रोल रहा है, तीनों की अच्छी खासी पोलिंग हुई है और तीनों के कैंडिडेट खड़े थे, और तीनों चाहे आप इंदु शर्मा को देख लो उसको ब्राह्मण वोट काफ़ी मिला है, मिला सर, और राजपूत वोट अभिजीत के साथ खड़ा था जैसे शुरू हुआ था, और अभिजीत के साथ और जातियों का वोट भी मैं देख रहा था, एससी वोट भी अभिजीत को वोट, हाँ अभिजीत ने जितना अभिजीत को कम आंक रहे थे उतना अभिजीत कम दिखाई नहीं। सर मैं मानता हूँ कि आज के दिन अगर मैं अभिजीत की बात करूँ, मैं काफी दिनों से कंपेयर कर रहा था, सर मैं अभिजीत को मानता हूँ 17,000 से 22,000 वोट, अभिजीत जो लाल सिंह है ये मैं इसको मानता हूँ सर, इसको इतने मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। देखो कोई आपकी बात ठीक है, 20,000 से ऊपर कोई चीज भी बहुत सम्मानपूर्वक है इस साल, तो इसलिए हम भिवानी का जो चुनाव है उसको कोई आसान चुनाव नहीं कह सकते, बड़ा टफ चुनाव है।
अब जैसे देखो आप बामला से शुरू हो जाओ, बामला सांगा, फिर आप कायला बडाला, बडाला, या उमरावत, उमरावत, ढाडू, धारेडू, कोट, कोंट, पुरमरावत, उमरावत, पुरमरावत, इधर नांगल, मोरीपुर, नांगल, मानेडू, मानेडू, कितलाना, निमड़ी निमड़ी वाली, वाली, पहला, मतलब कि इनमें से कहीं कामरेड ऊपर रहा, कहीं अभिजीत ऊपर रहा, कहीं इंदु ऊपर रही, दो तीन गांवों में घनश्याम भी ऊपर दिखाई दिए। तो कुल मिला के वोट का डिवीजन था, और पिछले 15 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि वोट इस तरह से बंटवारा दिखाई दे। लेकिन सर ये बताओ, जुड़ता हूँ मैं, कामरेड का बोर्ड सर 31-32 गांवों के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर वोट वोट मिला सर कामरेड को। ये नहीं कि कामरेड को वोट ना मिला हो, ये रियलिटी है। कहीं से लीड दे रहा है, जैसे आपके सर मैं दो तीन गाँव की बात करूँ, आपके कितलाड़ा गाँव सर, आपका निमड़ी वाले गाँव सर, आपका गोरीपुर गाँव सर, आपका सर एक दो गाँव और सर, तो बामला सर, सर इससे भी यहाँ से दावे से दावा नहीं करता, लेकिन ये गारंटी बता सकता हूँ वारंटी से सर कि यहाँ से कॉमरेड ओम प्रकाश लीड दे रहा सर। तभी तो ये मुकाबला बड़ा रोचक हो गया। देखो पहले क्या होता था कि भिवानी एक चार दीवारी के अंदर का शहर था, आज जितना चार दीवारी में है उतना चार दीवारी से बाहर आ बाहर बनना सर। और फिर उसके बाद देहात आ गया, तो इसलिए जो सट्टे वाले हैं उनका कुछ भी आंकलन हो, पिछली बार उनका सट्टा फेल हो गया, क्योंकि वो लोग सभी के सभी मीनू अग्रवाल को जितवा रहे थे। जी लेकिन भवानी प्रताप जिसका 4 रुपये भाव कर रखा था, भवानी प्रताप चुनाव जीत गया। मतलब कि कोई भी सर्वे भवानी को नहीं जितवा रहा था एंड तक, एंड तक। तो ये चुनाव भी अब की बार फिर चुकाने वाला है। उसी प्रकार से पोलिंग दिखाई दे रही थी, कौन जीत जाएगा कुछ नहीं पता, और टेक इट ग्रांटेड कोई नहीं ले सकता इसको। सर मैं मानता हूँ कि अगर इंदु शर्मा की हम बात करें सर, आज की दिन बात करें, तो सर 28,000 से 35,000 से वोट करीब मिली सर इंदु शर्मा की बात करें। एक तो वो ब्राह्मणों के एकमात्र कैंडिडेट थी जो मेजर पार्टी से, आम पार्टी का फिर वोट है, फिर एससी वोट था, और इंदु शर्मा का जो बैकग्राउंड है वो बीसी है, वो सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो उसको वोट मिला है। और इंदु शर्मा 30+ ले रही है, पक्की बात सुनना लग सकती है ले रही, ले रही। और अब रह जाते हैं कामरेड और घनश्याम। घनश्याम सर आप देखो, 3 बार के एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनको सहारा था, चाहे उनका विरोध बहुत था अब की बार, उनको वोट बंटवारे का उनको कहीं ना कहीं ये भी नुकसान हुआ है बल्कि, और वो भी मतलब कि घनश्याम भी 35 से 45 की रेंज में खड़े दिखाई देते हैं। हाँ 35 के आसपास दिखाई देते हाँ, हैं। 35 से मैं मानता हूँ घनश्याम दास 35 से 38-40 हज़ार तक। हाँ 35-40, मतलब कि आप ये देखो हार जीत वाला 45 से ऊपर नहीं टपेगा। 38 से 45 मानता हूँ काम ओम प्रकाश के माहौल को देखते हुए, लेकिन घनश्याम को देखता हूँ 35 से 40 के बीच में सर। ये मेरा आपका आपका मेरा आकलन ये है अजय जी कि बड़ा रोचक मुकाबला है, और 2-4 हज़ार वोटों से ऊपर नीचे है, और कोई भी चुनाव जीत सब जीतिए 4-5 हज़ार की होगी सर, ज्यादा। हाँ 4 हज़ार से ज्यादा की हार जीत नहीं है, 4-5 हज़ार से ज्यादा की हार जीत नहीं है, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। हाँ भिवानी अब की बार बड़ी चौंकाने वाली सीट है। सर जिस बार कहते हैं ना भिवानी का चुनाव जाते समय कभी नहीं गिरता, नहीं गिरता, लेकिन सर ये रूप ले लेता सर। अब राजपूत बटा सर, ब्राह्मण बटा सर, और सर जाट भी बटा, और जाट के साथ में अच्छी समाज का सर चमार खुम वो भी बटा सर। ये चीज देख सकते हैं। हाँ अब की बार कास्ट लाइन पे था इलेक्शन, और मुद्दा भी था, भिवानी में पिछले 15 साल में कोई खास विकास नहीं हुआ, वो ही एक मुद्दा था, कास्ट भी मुद्दा था, और कामरेड ओम प्रकाश की ईमानदारी भी मुद्दा थी। लेकिन सर ये बताओ तो अब की बार कास्ट मुद्दा था, लेकिन लोगों ने जाहिर नहीं होने दिया कि हम चाहते क्या है और करना क्या क्या करेंगे क्या। ये भी रियलिटी था, ब्राह्मणों ने अभिजीत का प्रोग्राम करवाया, और जाटों ने इंदु शर्मा का प्रोग्राम करवाया, और ठाकरों ने पता नहीं किसके प्रोग्राम करवाया। ये रियलिटी सर ये तो है ही। देखो तो शहर में वैसे तो देखो अब ये इलेक्शन के अंदर तो ये बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज तो सभी जातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
जी चाहे बिल्कुल राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे पंजाबी है, चाहे वैश्य है, चाहे जाट है, शहर बड़ा गुथा हुआ शहर है और एक दूसरे से बड़े अच्छे संबंध है, परंतु इलेक्शन के जरिए बीमारी छिड़ती है क्योंकि हमारे जो नेता हैं उन्होंने हमें इस लाइन पर डाल रखा है। हाँ, एक बात है जो सर्वे में आ रही है कि हरियाणा के अंदर अब प्योर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या मतलब, कितनी सीट बनते हैं हरियाणा में? कांग्रेस लगभग 55-56 सीटें ले। सर मैं मानता हूँ कि करीबन हरियाणा की आपकी जो चर्चा है वो 57 के आसपास है। हाँ, 55+ है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दिखाई दे। सर यहाँ पे तिकोनी अब भी होने सर मुकाबला तिकोनी देखे सर, या दो बंदे व्यक्ति देखे सर, ये मैं सर कामरेड और फर्स्ट ऑर्डर कामरेड और घनश्याम ने दिखाई दे रहा डायरेक्ट, तो बाकी दूसरे कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा पीछे थे। सर ऐसा नहीं होता कि इन दोनों मुकाबले इन बीपी से निकल सकती सर, क्योंकि सर ये भी मैं जानू जैसे नगर पालिका का मुकाबला आए थे ना, ज्यादा मुकाबला फर्क नहीं था, 2-2, 3-3 हजार में सारे से मट गए, 17,000, 21,000, 23,000, 25,000 इसी में सूरत के साथ। हाँ। और आगे भी इसी में लगता है सूरत के, ऐसे अब की बार वो रेशो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रामीण वोट है, तो अब की बार भी मुकाबला उसी तरह टाइट रहेगा, क्योंकि नगर परिषद में भी जो कई कम्युनिटीज थी वो कास्ट पर डला वोट, वहाँ भी बड़ा नेक टू नेक आया मुकाबला और अब भी नेक टू नेक आया। सर जिस प्रकार से ये 5 गाँव को लीड बात कर सकता, 5 गाँवों के बड़े बड़े गाँव सर, बामड़ा गांव बड़ा है, कितना गांव बड़ा है, निमडोली गांव भी बड़ा है और गोरीपुर भी गांव बड़ा था। सर आप अगर 5 गांव 4 गांव की बात करें सर, मानते कि यहाँ से मुझे मजबूत कामरेड ओम प्रकाश दिख रहा है, सर यहाँ पे शायद हमारी भाजपा कर सकती है या कोई और व्यक्ति कर सकता है? नहीं देखो, भाजपा को जो एडवांटेज है ना, भाजपा के पास जो एडवांटेज है उसके पास एक भाजपा का मूल वोट है वो हर एक गाँव में, मतलब कि चाहे वो फिर देवसर हो, चाहे वो फिर बामड़ा हो, चाहे वो फिर आपका केतलाना हो, तो भाजपा को जो एडवांटेज हुआ है कि वो हर एक गांव में थोड़ा थोड़ा उसको वोट मिलेगा, क्योंकि जो कई लोग भाजपा के भगत हैं सर वो मोदी का चेहरा देखते हैं, मोदी के भगत सबको नहीं चाहते सर, बुजुर्गों का, तो उन्होंने कहा तो हम तो मोदी से खुश है, हमें जनता को लेना नहीं है। हाँ, जबकि ये सोच गलत है, आप अपने MLA को चुन रहे हो, आप अपने MLA को चुन रहे हो, प्रदेश की सरकार चुन रहे हो, आपको अपना विधायक देखना चाहिए कैसा विधायक है, ये एक अंधभक्ति चाहे किसी पार्टी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे भारतीय जनता पार्टी की, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो सर मैं कह सकता हूँ या आप क्या कह सकते हैं कि इस चुनाव के जो आज के जिस हिसाब की पोलिंग हुई है 61% भिवानी की, सर कह सकते हैं कि इसमें कामरेड अप दिख रहा, सेकंड में घनश्याम दिख रहा, तीसरे में कुछ भी हो सकता है? अजय जी आपकी बात अपनी जगह है, मेरा ये मानना है कि कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। चलो जी, ये जी हमारे ओपनिंग पोल के हिसाब से बातें हैं, ये जनता के बीच में हम जाते हैं, हमारे जनता की नेताओं की रैलियाँ देखने का काम करते हैं, नेताओं के जो लोग आते हैं उनसे मिलने का काम करते हैं, फिर हम शहर के अंदर जाते हैं काम करते हैं, तो ये लोगों की चर्चा थी जो हमने जो 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर छुटाने का काम किया, इससे हमारे किसी नेता से द्वेष नहीं है, हमारे किसी नेता से वो नहीं है, बस ये हमारे लिए सभी सम्मान है, जो जीत के आएंगे उसको सम्मान सम्मान है। ये जो जो हमने बातें करने का काम, मैंने बात करने का काम किया वो सिर्फ जनता के विचार थे, जनता के मूड की बातें थी जो हमने आपको कैमरे के ऊपर कैद करने का काम करने का काम दिखाया, लेकिन ये है कि सर ने बताने का काम किया कि भिवानी का चुनाव बड़ा तुला हुआ है और तलवार की नोक पे अटका हुआ देखा जा सकता है, चाहे फर्स्ट पे माननीय घंटा सर आप चौथे पर भी आ सकते हैं, चाहे फाइट की अगर बात करूँ, अगर गाँव के काम खड़े होते काम हुआ तो कह सकते हैं कि कामरेड ओम प्रकाश भी आज एक बड़ा चेहरा बन चुके और बड़ा चेहरा दिखने लग चुके जनता के बीच में, क्योंकि सर मैंने उनका इंटरव्यू पर किया सर, तो लोगों ने असमंजस था कि कामरेड कौन है, कामरेड कौन है, इन सब बाद में मैंने उनका माहौल देखा सर, लोगों ने चंदा देने का काम किया सर, लोगों ने उनको बड़ा प्रेम किया सर, इतना हल्का माना जा रहा था शुरू में, उन्होंने बहुत मेहनत करी उनके साथियों ने उनकी टीम ने और चुनाव आखिरी में कड़े मुकाबले में, यानी एक सर एक वर्ष वृक्ष के सामने अपने आप को खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब कि जिस सीट को ये माना जा रहा था भाई हरियाणा में अगर कोई बीजेपी अगर 15 सीटें भी जीतती है तो वो बड़ी थी, लेकिन उसके लिए आज मतलब कुछ समझ माहौल में अपने आप को खड़ा करना बहुत बड़ी बात जी। तो जी हमारे ओपनिंग पोल थे, परिणाम कुछ भी हो सकता जी, वो 8 तारीख को पता चलने का काम होगा, तो JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।